मैं अपनी बात बताने से पहले एक्सलेंसीज, एक तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एक्सलेंसी जी, दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र में 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच है। भौगोलिक रूप से तो ग्लोबल साउथ तो हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से वॉइस पहली बार मिल रही है और यह हम सभी के साझा प्रयासों से संभव हुआ है। हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान है, हमारी प्राथमिकताएं समान है। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली तो हमने इस फोरम में ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना। हमारी प्राथमिकता थी कि G20 को ग्लोबल स्केल पर समावेशी और ह्यूमन सेंट्रिक बनाया जाए। हमारी कोशिश थी कि G20 का फोकस हो डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसी उद्देश्य से हमने इस वर्ष जनवरी में पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। भारत के अलग अलग राज्यों में हुई G20 की 200 से अधिक बैठकों में हमने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी। इसका नतीजा रहा कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में ग्लोबल साउथ के विषयों पर हमें सबकी सहमति हासिल करने में कामयाबी मिली। एक्सलेंसीज, G20 आयोजन में ग्लोबल साउथ के हितों को ध्यान में रखकर ही लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय मैं बड़ी नम्रता पूर्वक आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। मैं वो ऐतिहासिक क्षण भूल नहीं सकता जब भारत के प्रयासों से अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता मिली। G20 में सबने माना कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक में बड़े सुधार लाए जाएं और विकासशील देशों के लिए सस्टेनेबल फाइनेंस देने पर जोर दिया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो पिछले कुछ सालों में सुस्त पड़ गए थे, उनमें तेजी लाने के लिए एक एक्शन प्लान भी बनाया गया। इससे ग्लोबल साउथ के देशों में चल रहे पॉवर्टी रिडक्शन कार्यक्रमों को बल मिलेगा। G20 ने इस बार क्लाइमेट फाइनेंस पर अभूतपूर्व गंभीरता दिखाई है। ग्लोबल साउथ के देशों के लिए आसान शर्तों पर क्लाइमेट ट्रांजिशन के लिए फाइनेंस और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराए जाने पर भी सहमति बनी है। क्लाइमेट एक्शन के लिए लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट
इसके हाई लेवल प्रिंसिपल्स को अपनाया गया। इसी समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया है। यह ग्लोबल साउथ के देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आशा करते हैं कि आप सभी इससे जुड़ेंगे। भारत मानता है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की बहुत जरूरत है। इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत में अगले महीने एआई ग्लोबल पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है। G20 द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के फ्रेमवर्क को अपनाया गया है, जिससे आवश्यक सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी में सहायता मिलेगी और इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। वैश्विक DPI रिपोजिटरी बनाने पर भी सहमति बनी है। इसके अंतर्गत भारत अपनी क्षमताएं पूरे ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। किसी भी प्राकृतिक आपदा से ग्लोबल साउथ के देश सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसके लिए भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI शुरू किया था। अब G20 में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया है। भारत की इस पहल पर इस साल को संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहा है। G20 के तहत सुपर फूड मिलेट्स, जिसे भारत में हमने श्री अन्न की पहचान दी है, उन पर रिसर्च करने के लिए नया इनिशिएटिव लिया गया है। यह क्लाइमेट चेंज और रिसोर्सेज के अभाव से उत्पन्न होने वाली फूड सिक्योरिटी की चिंताओं से लड़ने में ग्लोबल साउथ को सामर्थ्यवान बनाएगा। पहली बार G20 में सस्टेनेबल और ओशन बेस्ड इकोनॉमी पर बल दिया गया है। ये ग्लोबल साउथ के स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज, जिन्हें मैं लार्ज ओशन कंट्रीज मानता हूं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समिट में ग्लोबल वैल्यू चेन मैपिंग और डिजिटल सर्टिफिकेट को मान्यता देने के लिए अहम फैसले लिए गए। इससे ग्लोबल साउथ के देशों में MSME सेक्टर और व्यापार के लिए नए अवसर खुलेंगे। एक्सलेंसी, वैश्विक समृद्धि के लिए सबका साथ और सबका विकास जरूरी है, लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। भारत ने 7 अक्टूबर को इज़राइल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इज़राइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश
ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के लिए हम सब मिलकर फाइव सीज के साथ आगे बढ़ें। जब मैं फाइव सीज की बात करता हूं तब कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, क्रिएशन, क्रिएटिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग। एक्सेलेंसी, पहली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में मैंने ग्लोबल साउथ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। मुझे खुशी है कि आज दक्षिण डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सेलेंस का उद्घाटन हो रहा है। G20 समिट के दौरान मैंने भारत की तरफ से ग्लोबल साउथ के लिए वेदर और क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है। हम इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इन विचारों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। अब मैं आप सभी के विचार सुनने के लिए बहुत ही उत्साहित हूं और इतनी बड़ी मात्रा में आप सबकी सक्रिय भागीदारी के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।